नमस्कार, एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों को क्लास टेंथ ट्रिगोनोमेट्री का मैप प्रूफ करने के लिए सारा सवाल बताने जा रहा हूं, और ये सर्व समीकरण से रिलेटेड है। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन यहां पे देख रहे हैं, हमें सिद्ध करना है cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। तो देखिए, ये प्रूफ करना है, ये क्या करना है, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है। अब देखेंगे, सर्वप्रथम एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस। देखिए एलएचएस ये बाई पक्ष हो गई और ये दाई पक्ष। एलएचएस बराबर आपका क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। अब यहां देखिएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए, कॉसेक थीटा का एक सूत्र होता है 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा माइनस। अब देखिए कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो सारा फॉर्मूला हम सिद्ध किए हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका हम क्या कर दिए, होल स्क्वायर। अब देखिएगा, साइन थीटा और साइन थीटा का जो लघुत्तम हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा पुनः 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, ये साइन और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए पूरे पर क्या है, होल स्क्वायर, ये पूरे पर क्या है, होल स्क्वायर। अब देखेंगे विद्यार्थी लोग, 1 माइनस कॉस थीटा, इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, इस पर भी स्क्वायर कर दिया, इस साइन पर भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय, अब देखिए क्या है, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर की जगह पर आया, हम इस पर स्क्वायर दे सकते हैं। अब देखिए ध्यान दिया जाए, अब यदि x स्क्वायर रहे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x गुना x लिख सकते हैं, तो यहां 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ये 1 माइनस स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए क्या सिद्ध करना था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा के 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका आरएचएस हो गया कि नहीं, लिख सकते, देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये त्रिकोणमिति एनसीईआरटी क्वेश्चन का सवाल है, ये cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a is equal to, कैसे करना है, 2 sec a। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, तो देखिए LHS बराबर क्या है, cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by क्या है, cos a। देखिए ये सवाल है, अब यहां देखा जाए ये LHS लिख दिए, अब इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इस दोनों का जो एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये कॉस गुना हो जाएगा, इसके साथ कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि
यहाँ पे वन प्लस साइन इसे इसमें भाग देंगे तो वन प्लस साइन वन प्लस साइन कैंसिल, तो बच जाएगा आपका कॉस एक, कॉस एक गुना हो जाएगा इसके साथ, कॉस स्क्वायर एक कॉस के साथ, तो कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर एक, फिर प्लस। अब देखिए कॉस ए से डिवाइड कीजिए इसको, तो कॉस ए कैंसिल, तो ये टर्म इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वन प्लस साइन ए और गुना वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये दोनों गुना होगा इधर और ये दोनों गुना हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है कि नहीं, क्योंकि वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए होगा ना। अब बटे क्या है देखिए, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो अब देखिएगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसको एक साथ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक साथ लिख दिए। अब देखिए प्लस एक है, प्लस एक लिख दिए, दो गुना एक गुना साइन ए प्लस क्या हो गया टू साइन ए बाय वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ना देखिए ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को एक साथ लिख दिए, प्लस वन का स्क्वायर वन हो गया, दो गुना एक गुना साइन ए दो साइन ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है वन, तो वन इसका वैल्यू वन हो गया आपका, ये पूरा का वैल्यू वन, फिर देखिए वन प्लस वन प्लस टू साइन ए बाय वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए वन और वन क्या हो गया टू, टू अब एक और एक दो, अब फिर क्या है दो साइन ए बटे वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये दो कॉमन ले लीजिए, यहां से वन प्लस साइन ए होगा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए दो जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पर वन प्लस साइन, क्योंकि दो गुना एक फिर दो हो जाएगा, और दो गुना साइन ए दो साइन ए होगा, फिर देखिए नीचे जो था वैसा ही। अब ये वन प्लस साइन है वन प्लस साइन है कैंसिल, तो ये आपका क्या हो गया दो गुना वन बटे कॉस ए, दो गुना वन बटे कॉस ए। अब देखिए वन बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो वन बटे कॉस ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं दो सेक ए। देखिए यहाँ पे क्या सेक कर दो सेक, चूंकि वन बटे कॉस ए बराबर सेक होता है, तो दो गुना उस वन बटे कॉस ए बराबर सेक है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, टेन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू सिद्ध करना है वन प्लस सेक थीटा इनटू कॉस थीटा। तो सर्वप्रथम देखिए एल एच एस, एल एच एस बराबर क्या है आपका टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा। अब देखिए हमको इतना सिद्ध करना है, तो अब देखिए टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट है, तो कॉट को लिख सकते हैं वन बाय टेन थीटा, इस कॉट थीटा को लिख सकते हैं वन बाय टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर है कॉट को क्या लिख सकते हैं वन बाय टेन थीटा, क्योंकि कॉट जो है वो टेन का व्युत्क्रम होता है, तो कॉट के जगह पर वन बाय टेन यूज कर सकते हैं बाय वन माइनस टेन थीटा। अब देखा जाए नहीं कुछ तो नीचे क्या है एक, देखिए टेन थीटा, अब ये टेन थीटा और एक का लघुत्तम क्या हो जाएगा टेन थीटा, अब ये टेन थीटा यहां चलेगा टेन थीटा गुना एक, तो टेन थीटा माइनस एक प्लस देखिए वन बाय, अब ये टेन थीटा यहां पे नहीं कुछ तो नीचे वन है, ये वाला टर्म इसके साथ गुना हो जाएगा, तो टेन थीटा इंटू ये टेन थीटा इसके साथ गुना हो जाएगा वन माइनस टेन थीटा के साथ। देखिए ये जो टेन थीटा था इस पक्ष के साथ गुना हो गया, अब ये नीचे वाला जो टेन है ये वाला टेन, ये टेन ऊपर गुना हो जाएगा, तो टेन गुना टेन क्या हो गया टेन स्क्वायर
10 गुना 10 10 स्क्वायर थीटा बाय 10 थीटा माइनस 1। ये नीचे वाला 10 जो है ये ऊपर गुना हो गया, ये 10 गुना 10 क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा, फिर 10 थीटा माइनस 1। अब देखिए प्लस 1 बाय, अब देखिए यदि a माइनस बी रहता है, हम इससे भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे b माइनस a। देखिए a के पहले क्या है प्लस और b के पहले क्या है माइनस, तो ये जब माइनस फिर अंदर करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस b, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस a हो गया ना। इसी तरह से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब कॉमन ले लिए तो ये टेन थीटा तो रहेगा। अब देखिएगा ये देखिए a माइनस बी रहता है तो माइनस कॉमन लेता है तो इसको b माइनस a लिखते हैं, तो 1 माइनस टेन थीटा इसे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसी आधार पर जब a माइनस बी है तो ये b माइनस a हो जाता है तो इसे माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस 1, इससे माइनस कॉमन ले लिए। अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये जो माइनस कॉमन लिए ये प्लस था, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। ऐसा इसलिए किए ताकि देखिए टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 एलसीएम लेने में हमें आसानी होगी। अब देखिएगा ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इन दोनों का जो एलसीएम होगा टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा, ये इसका एलसीएम होगा, ये नीचे वाले का जो एलसीएम वही होगा। अब देखिए टेन थीटा माइनस 1 से भाग देंगे इसमें तो ये टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा ये टेन थीटा, टेन थीटा जो है ये गुना हो जाएगा टेन स्क्वायर के साथ, तो टेन गुना टेन स्क्वायर क्या हो गया टेन क्यू थीटा। पुनः अब देखिए ये टेन थीटा माइनस 1 गुना टेन ये भाग लगेगा, ये 10 और 10 भी कट जाएगा और ये 10 थीटा माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल क्या हो जाएगा 1, केवल क्या हो जाएगा 1, ये केवल क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पक्ष कट जाएगा तो ये इसलिए यहाँ पे 1 ही होगा। अब देखिए नहीं कुछ तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 दे सकते हैं ए क्यू। अब देखिए ए क्यू माइनस बी का जो सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा का टेन क्यू थीटा माइनस 1 का क्यू, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में ए का रूप क्या है टेन थीटा, बी का रूप है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस 1 इंटू क्या होता है ए स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए का मान कितना है टेन थीटा इंटू 1, अब फिर क्या होता है देखिए प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, बटे क्या हो गया टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा। अब देखा जाए ये टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला पर था। अब देखिए क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, अब बटे जो बच गया केवल टेन थीटा, बटे क्या बच गया टेन थीटा। अब देखिए आप लोग को बता देते हैं यदि 4 प्लस 5 प्लस 3 रहे 2 रहे बटे 3, तो हम इसको अलग अलग 4 बटे 5 4 बटे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 बटे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और 2 बटे 3 लिख सकते हैं क्योंकि फिर लघुत्तम लेंगे फिर वही चीज, तो इसी तरह अलग अलग करके इसको लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा, अलग अलग करके लिख दिए। अब देखिए ये टेन थीटा ये गो टेन थीटा कैंसिल, ये टेन थीटा ये टेन थीटा कैंसिल, तो यहाँ केवल बच गया टेन थीटा, यहाँ क्या बच गया केवल टेन थीटा, और ये देखिए टेन थीटा कट गया क्या बच गया केवल 1, और 1 बाय टेन को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, 1 बाय टेन को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब देखिए इस पक्ष को और इस पक्ष को एक साथ लिखे, इस पक्ष को एक साथ लिखे टेन थीटा, ये 1 को पहले लिख दिए 1 को आगे लिख दिए, अब फिर देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख दिए एक साथ। अब यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखा जाए ध्यान दिया जाए, अब देखिए 1 प्लस क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, टेन को लिख दिए साइन बाय कॉस और कॉट को लिख दिए कॉस बाय साइन, तो देखा जाए 1 प्लस कॉस और साइन का एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये जो टर्म है कॉस भागा कॉस कीजिए कॉस कॉस कैंसिल तो साइन गुना होगा, तो साइन गुना साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस,
अब देखिए ये कॉस साइन साइन भाग दीजिए तो ये कॉस बच जाएगा, तो कॉस गुना कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं एक सूत्र कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक, तो वन प्लस वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक, तो कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू अब देखा जाए वन बाय सॉरी देखिए वन प्लस अब अलग अलग करके लिख दीजिए वन बाय कॉस थीटा गुना वन बाय साइन थीटा देखा जाए क्योंकि वन गुना वन ये वन ही होगा और कॉस गुना साइन कोसाइन। अब देखा जाए वन प्लस वन बटे कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, अब वन बाय साइन को क्या लिख सकते हैं कॉस सेक, ये सूत्र में सारा सिद्ध क्यों है। अब देखिए आप सवाल में क्या सिद्ध करना चाहिए इतना बड़ा वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये आपका क्या हो गया। आप देख रहे सॉल्यूशन तो तक अच्छी तरीके से।